हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MSI 01 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हम इस बुक के 3 यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन तीनों यूनिट के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से लेसन्स हैं इन यूनिट के अंदर में, किस तरह के टॉपिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने का पैटर्न क्या हो सकता है क्वेश्चन का, और उन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आशा करता हूँ आप सब लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको समझ में आए। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन भी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप एमए हिस्ट्री MSI 01 के लिए तैयारी कर रहे हो, कल आपका एग्ज़ाम है, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि दी इन अप पर 2 वीडियो डली हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए, MSI 01 के लिए स्पेशली। उसमें एक हैगा वीडियो लास्ट 5 ईयर के, जिसके अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, इससे आपका ऑलमोस्ट 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा जो वीडियो है यहाँ पर, उसमें ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए गए हैं, जिसके अंदर में लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से टॉपिक्स उठाए गए हैं, आपके पूरे बुक में से ढूंढ के टॉपिक निकाला गया है। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को देखते हो तो ऑलमोस्ट आपका 95% जो सिलेबस है कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वीडियो जरूर देखिए अगर आप एमए हिस्ट्री MSI 01 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, जिसके अंदर मैं अलग अलग यूनिट्स को समझा रहा हूँ, बस ये एक थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए है कि इस यूनिट के अंदर में ये चैप्टर और इस चैप्टर के अंदर में पर्टिकुलर ये टॉपिक्स बनते हैं। अगर किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक को ना पढ़कर सिर्फ वो जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो पढ़ोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज हम अपना यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 7 के अंदर हम बात करें मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर में, संसार के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में व्यापार और वाणिज्यकरण किस प्रकार से था, बिजनेस किस प्रकार से किया जाता था, इंडस्ट्रीज किस प्रकार की थी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम व्यापार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है समुद्री व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के समय में हमारे पास हाईवे, रोड, ये सब बने हुए, पहले नहीं थे। ठीक है, तो पहले नॉर्मली जल मार्ग के थ्रू ही, आज भी जल मार्ग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, पर पहले ज़्यादातर जल मार्ग के थ्रू ही सारे व्यापार होते थे। तो किस प्रकार से किया जाता था, ठीक है, ये इसमें रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक फैक्टर ये देखा जाता है कि जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ अरब के अंदर में, तो जो पूरा समुद्री व्यापार था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि इस्लाम के उदय ने किस प्रकार से समुद्री व्यापार को प्रभावित किया। जैसे इस्लाम का उदय हुआ, तो ज़्यादातर जो अरब के लोग थे वो समुद्री व्यापार के लिए उतर गए, ठीक है, और इस्लामिक मतलब जो पूरे मोहम्मदन समुदाय था वो अरब के अंदर में समुद्री व्यापार के लिए उतरे, जिसके कारण से जो समुद्री व्यापार था जो यूरोपीय देश करते थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि देखो, नॉर्मली आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाकर बेच रहे हो, कोई कंपटीटर नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, पर अचानक से एक दिन देखते हो कि कई सारे प्रतिद्वंदी आ गए तो आपका नुकसान होगा ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनकर उभरता है इस वाले चैप्टर के अंदर में। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारतीय संदर्भ में कि भारतीय समुद्री व्यापार किस प्रकार का था। तो नॉर्मली हम भारतीय समुद्री व्यापार की बात करें तो 15वीं शताब्दी से देखते हैं, जहाँ पे रेशम का इधर से उधर ले जाना, ठीक है, मसालों का करना, ये सारी चीज़ें रहती है, सोना चांदी इधर से उधर करना, तो ये सारा 15वीं शताब्दी के अंदर में भारतीय समुद्री व्यापार उभर कर सामने आता है। अगला चैप्टर में 25वें चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आता है व्यापारिक समुदाय। ठीक है, यहाँ पे व्यापारिक समुदाय के अंदर हम बात करते हैं कि भारतीय बंजारे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास में कई बार बैठ जाते हैं, लोहा लकड़ बनाने वाले अलग अलग तरह के होते हैं, एक तरह के घूमतू समुदाय है। ठीक है, ये राजस्थान की भी एक समुदाय के तौर पर, बंजारे समुदाय के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, जो बंजारा समुदाय है भारत के अंदर में, ठीक है, वो क्या घूमतू समुदाय है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, खाना बदोश समुदाय है। ठीक है, उसके अंदर में वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापारिक समुदायों के बारे में बात करा जा रहा है कि जहाँ पे अलग अलग तरह के व्यापारिक समुदाय किस प्रकार से रहते थे। ठीक है, अगला हमारा जो चैप्टर है वहाँ पर हम बात करते हैं वाणिज्यिक प्रथाओं के बारे में कि किस किस तरह का रीति रिवाज थे, वाणिज्यिक प्रथाएं थी। ठीक है, तो नॉर्मली वाणिज्यिक प्रथाओं के अंदर में किस तरह से व्यापार किया जाता था, ठीक है, क्या चीज़ें थी, वो यहाँ पे आता है। बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे के, वो उसके अंदर में कुछ खास इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बस नॉर्मली है। ठीक है, तो वाणिज्यिक प्रथाओं में भी कुछ खास टॉपिक यहाँ पर उभर कर सामने नहीं आता है। शिल्प उत्पादन की बात किया जाए तो भारत के अंदर में किस प्रकार से शिल्प उत्पादन होता था, किस प्रकार से हम उसको व्यापार में उपयोग करते थे, ठीक है, यहाँ पर ये हमें यहाँ पर दर्शाने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पर नॉर्मली कोई एग्जाम के अंदर में पूछा जाए इसके लिए नहीं है, पर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूनिट नंबर 8 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं मध्ययुगीन विश्व में संक्रमण। अब देखो नॉर्मली आपका शहर बस गया, सब कुछ आप आगे कर रहे हो, बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, तो अब वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह विस्तार होगा ना, उसको संक्रमण फैलेगा, ठीक है, लोग देख कर सीखेंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ पर तीन चैप्टर आते हैं इस वाले यूनिट के अंदर में। हम यूनिट इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अंदर हमें बात करते हैं कि विज्ञान का किस तरह से विस्तार हुआ है, ज्ञान का किस तरह से विस्तार हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्रिंटिंग का, कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग का क्या रोल रहता है विज्ञान को बढ़ाने में, ठीक है, विज्ञान तकनीक के विस्तार में। सबसे बड़ा हमें एग्जांपल दिखता है प्रिंटिंग का, क्योंकि आज जो आप बुक पढ़ रहे हो इसका भी कहीं ना कहीं एग्जांपल प्रिंटिंग का ही तो है। अगर प्रिंटिंग नहीं होती तो किस तरीके से पढ़ते, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता फॉर्म उसकी। तो ये प्रिंटिंग का क्वेश्चन इसके अंदर में जो आता है कि प्रिंटिंग का विस्तार किस तरह से हुआ ज्ञान के क्षेत्र के अंदर में, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधार पर, वो वाला क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे धार्मिक संस्थाओं की बात करूँ तो धार्मिक संस्थाओं में क्या हुआ कि जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे क्या होता है धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं। कई जगह पे देखा गया कि धर्म का दबदबा जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, वहाँ पे धर्म की पकड़ साम्राज्य पे, राज्य पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, धर्म का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ पे धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, ठीक है। भारत में भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है ब्रिटेन के समाज सुधार आंदोलन तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के क्वेश्चन यहाँ पर बन के आते हैं। आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण कि किस तरह से धीरे धीरे विश्व की ओर फैल रहा था, तो नए नए देखो अब लोगों ने विज्ञान तकनीक अपनाया, धीरे धीरे वो आगे गया, ठीक है, धर्म सुधार हुआ, तो वहाँ पे सुधार होने के बाद नई नई प्रथाएं जो चल रही थी वो लोगों को आगे मिलती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे इसको लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में किस तरह से वो फैल रहा था, किस तरह से विस्तार कर रहा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। लास्ट यूनिट इस MHI 01 की हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट नंबर 9 जिसके अंदर में हम बात करते हैं पूर्व संसार तथा विहवलोकन करके। तो यहाँ पे टोटल चार चैप्टर आते हैं। इन पूरे चार चैप्टर के अंदर में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है आपका जनसंख्या का, कि जनसंख्या का इम्पैक्ट किस तरह से, देखो अब जनसंख्या बढ़ कैसे रही है, घट कैसे रही है। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड सही है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है जनसंख्या बढ़ती है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, मतलब रहने की जो दर है या वो चीज़ें हैं, आपको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, तो आप भुखमरी से चीज़ें नीचे गिरेंगी। अगर आपके पास रोजगार है तो आप आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या ज़्यादा है तो रोजगार ज़्यादा नहीं आप दे सकते, ठीक है, तो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे गिरेगा। तो कई सारे रीजंस होते हैं जनसंख्या के लिए, ठीक है, किस तरह से वो संक्रमण पूरे विश्व में फैल रहा है, किस तरह से परिवर्तन का दौर रहा, ठीक है, पूरा यहाँ पे करके क्वेश्चन बनता है, आप उसको लिख सकते हो, अच्छे से नंबर मिल जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है शहरीकरण का। अब देखो नॉर्मली लोगों को समझ में आ गया कि धर्म में परिवर्तन हुआ, चीज़ें आई, धर्म के अंदर में आंदोलन चले, ठीक है, जनसंख्या का विस्तार हुआ, तो लोग जनसंख्या का विस्तार हुआ तब एक जगह पे ज़्यादा लोग हो गए बड़ी मात्रा में, अब वो कहीं ना कहीं तो जाके रहेंगे ना, तो किस तरह से शहरीकरण बसा, शहर का निर्माण किस प्रकार से किया गया, ठीक है, किस तरह से होना शुरू हुआ, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है युद्ध कौशल और संचार प्रौद्योगिकी, किस तरह से युद्ध कौशल डिपेंड करता है, संचार प्रौद्योगिकी किस तरह से बढ़ा, संचार जो है, ठीक है, किस तरह से बढ़ना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें करके आ जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट वाला जो टॉप चैप्टर हमारा नातेदारी और परिवार ढांचा, किस प्रकार से परिवार ढांचा है, किस तरह से विकसित हो रहा था, फैमिली किस तरह से बनना शुरू हुई, उसको लेकर बनता है। पर इन जितने भी ये चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ आपको, तीनों यूनिट 7, 8, 9 तीनों यूनिट के अंदर में कुछ खास टॉपिक नहीं है, नॉर्मली रफली टॉपिक है। इसके अंदर में बात करो यूनिट 9 के अंदर में तो आपको जनसंख्या वाला टॉपिक और शहरीकरण वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यूनिट 8 की बात करूँ कि यूनिट 8 के अंदर में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 8 के अंदर में धार्मिक संस्थाओं के बारे में तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में, ये दो चैप्टर पढ़ सकते हो। यूनिट 7 के अंदर मैं बात करूँ तो समुद्री व्यापार और भारत के स्वरूप में किस तरह से समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, इस्लाम धर्म के उदय के कारण से समुद्री व्यापार किस तरह से इम्पैक्ट किया, उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 24वें चैप्टर से, तो ये कर सकते हो। यही इस पूरे MHI 01 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, यही चैप्टर्स थे, ठीक है, इतना ही करना था। इस वीडियो से सिर्फ आपको इतना हेल्प होने वाला है दोस्तों कि क्या इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, इस यूनिट के अंदर में किस तरह के चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सिर्फ आपको क्लियर होगा। मेनली अगर आप MA History MHI 01 के लिए तैयारी कर रहे हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो दो वीडियो मैंने सजेस्ट किया है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, डायरेक्टली जाइए वहाँ पर देखिए और वहाँ से देख के आप अपना एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बेझिझक दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट, एक एक रिस्पॉन्स हमारे लिए मोटिवेशन के काम करती है और हम आगे अच्छा वर्क करते हैं और आगे लिए आपके लिए पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपके लिए वैल्यूबल वीडियो है तो जरूर कमेंट करके रिप्लाई दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।